मैं दोबारा उनसे कहती हूं, जिन मुद्दों को जयराम रमेश जी ने उठाया उस मुद्दों में वो बहुत से मुद्दों से बच गई। बहुत से मुद्दों पर उन्होंने, पांच ऐसे मुख्य मुद्दे हैं, या तो उन्होंने भ्रमित करने वाले झूठे बयान पेश किए, जिसकी आज पोल मैं सबूतों के आधार पर खोलने जा रही हूं, और या कुछ ऐसे सवाल थे जिस पे उन्होंने बचने की कोशिश की। मैं पत्रकार साथियों से कहूंगी, महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी का ट्विटर खंगाली है, जो जवाब उन्होंने जयराम रमेश जी को हम दिए हैं। क्या उनके ट्विटर पे जो महिला अपराध की बात की गई, पहला ही सवाल था कि महिलाओं के प्रति या बच्चों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है, न्याय कोसों दूर है, ये पोस्टर, ये चेहरे, किसी एक का नाम स्मृति ईरानी जी ने जवाब में दिया है? ये हम सवाल दोबारा पूछ रहे हैं। ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होती है, हां या नहीं, उसके बावजूद भी क्या ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हुई है या वो आजाद घूम रहा है? क्या बेटियों को न्याय मिल गया, हां या नहीं? मणिपुर की आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार क्या 6 महीने से ऊपर हो गए? कौन सी अदालत में फास्ट ट्रैक में केस चलाकर उन्हें सजा दे दी गई? आप इस पे खामोश है स्मृति ईरानी जी। आपके मंत्री हरियाणा में संदीप सिंह आज भी यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप एफआईआर में मंत्री पद पे बने हुए हैं या नहीं, सवाल आज भी यहां खड़ा हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, बिल्किस बानो के 11 सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम आपकी सरकार ने किया, सही था गलत था? आप बचाव में आए, प्रचार प्रसार किया, हार डाले, लड्डू खिलाए, आप इस पे भी खामोश रही, आपने इसकी निंदा या इसका विरोध क्यों नहीं किया, हम पूछ रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं, बनारस की बीएचयू में पढ़ने वाली छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार में आपके आईटी सेल के नेता शामिल हैं, क्या न्याय मिल गया या उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा, हम पूछना चाहते हैं। बिहार से आपके आने वाले पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन पर हाईकोर्ट ने बलात्कार का मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई के लिए कहा, क्या आपने उस पे अपनी जुबान खोली? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं।